वेलकम टू एनके क्लासेस। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 1 मटेरियल एंड आवर सराउंडिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैटर? सो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। सो मैटर क्या है? मैटर वो चीज़ है जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे। इसमें हमारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं वाटर, एयर, मेटल एक्सेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, वट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। तो जितने भी आपके पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके पास कुछ ना कुछ स्पेस होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली इन मोशन। तो जो आपके मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली इन मोशन में होते हैं, और इस कंटिन्यूसली इन मोशन को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोमेंट। थर्ड है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो जितने भी आपके मैटर हैं वो टाइनी पार्टिकल से बनते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं। वो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटम कहते हैं। फोर्थ है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जितने भी आपके पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को क्या करके रखते हैं? अट्रैक्ट करके रखते हैं, और इस अट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड है, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज स्टेट। सबसे पहला आता है सॉलिड्स, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। तो जो सॉलिड होते हैं उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है। दे आर रिजिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। तो जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं, रिजिड का मीनिंग होता है हार्ड। तो सॉलिड्स जो हैं वो हार्ड होते हैं और वो कंप्रेस्ड नहीं हो सकते। लिक्विड्स पे आते हैं, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डज नॉट डेफिनेट शेप। तो जो लिक्विड होते हैं उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है पर शेप डेफिनेट नहीं होता है। दे आर नॉट रिजिड बट आर लिटिल कंप्रेस्ड। तो वो हार्ड नहीं होते हैं बट थोड़े बहुत क्या होते हैं? कंप्रेस्ड होते हैं। गैसेस पे आते हैं, दे हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। तो जो गैसेस होते हैं उनके पास ना तो शेप होता है और ना ही वॉल्यूम होता है। दे आर नॉट रिजिड बट आर हाईली कंप्रेसिबल। वो रिजिड नहीं होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, पर वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? कंप्रेसिबल होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सब्लिमेशन? सो द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या चीज़ है? जो कि स्टेट चेंज हो कहाँ से कहाँ तक? सॉलिड से गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। तो इसमें लिक्विड स्टेट नहीं आता है, या तो हमारा जो भी सब्सटेंस है वो सॉलिड से कहाँ चला जाता है? डायरेक्ट गैसियस में, या गैसियस से डायरेक्ट कहाँ आ जाता है? सॉलिड में। इसमें लिक्विड स्टेट में चेंज सब्सटेंस नहीं होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, गिव रीजन ए गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इसका आंसर हो जाएगा, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर कंटिन्यूसली इन मोशन एंड स्ट्राइकिंग अमंग देमसेल्व्स और विथ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, हैंस ए गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे दे सकते हैं कि जो भी हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंटिन्यूसली इन मोशन होते हैं। तो अब जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के अंदर वो क्या होंगे? या तो एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे या तो फिर वॉल्स ऑफ द कंटेनर से स्ट्राइक करेंगे, और इस तरह जो गैस होती है वो एग्जर्ट करती है प्रेशर काय पे? वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। सिक्स क्वेश्चन हो जाएगा, डिफाइन इवापोरेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन? सो इसका आंसर है, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो जो कि लिक्विड से डायरेक्ट कहाँ पे जाए? वेपर्स में जाए, किसी भी टेम्परेचर पे, उसको हम क्या बोल देते हैं? इवापोरेशन बोल देते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन है, उसमें पहला क्या आता है? सरफेस एरिया। सो इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इसका मीनिंग ये है कि जितना ज़्यादा आपका सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा? इवापोरेशन होगा। सेकेंड है टेम्परेचर। तो इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ पे भी वही हो रहा है, जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा? इवापोरेशन होगा। थर्ड है विंड स्पीड, इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। सो यहाँ पे भी यही आ रहा है कि जितना ज़्यादा आपकी विंड स्पीड होगी उतना ज़्यादा आपका क्या होगा? इवापोरेशन होगा। एंड द लास्ट वन इज़ ह्यूमिडिटी।
सो ह्यूमिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इवोपोरेशन. तो यहाँ पे ऐसा है कि जितनी ज़्यादा आपकी ह्यूमिडिटी होगी उतना ही कम आपका क्या होगा, इवोपोरेशन होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि वो कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. और बाकी जो तीन फैक्टर्स है वो कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सेवन क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई डज इवोपोरेशन कॉजेस कूलिंग, एक्सप्लेन. सो अभी हमने देखा कि इवोपोरेशन क्या होता है, कि जब भी लिक्विड काई में चेंज होता है, वेपर्स में होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इवोपोरेशन बोल देते हैं. अब इवोपोरेशन होता कैसे, तो जैसे आपके पार्टिकल्स लाइन बाय लाइन रखे हुए हैं, तो जो सबसे ऊपर सरफेस का पार्टिकल है वो जब इवोपोरेट होगा तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी. तो वो एनर्जी कहाँ से ले लेता है, जो उसके नीचे वाले पार्टिकल से, उससे वो क्या कर लेता है, एनर्जी ले लेता है. अब होता क्या है कि जब भी एनर्जी में लॉस होता है या एनर्जी कम होती है, तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है. अब टेम्परेचर कम होगा तो उससे हमको क्या फीलिंग आएगी, कूल वाली फीलिंग आएगी. इसलिए हम कहते हैं कि इवोपोरेशन क्या कोर्स कर देता है, कूलिंग कर देता है. सो इन इवोपोरेशन ओनली हाई एनर्जी पार्टिकल्स लीव द सर्फेस, विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, विच डिक्रीज द टेम्परेचर, हैंस इवोपोरेशन कॉजेस कूलिंग. ये भी यही बोल रहा है. डिफाइन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो फर्स्ट आते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट पे. द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंजेस इन टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जहाँ पे आपका जो सॉलिड है वो काई में चेंज हो रहा है लिक्विड पे, तो उस टेम्परेचर को क्या हम बोल देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट. तो जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस. बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंजेस इंटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. तो जब भी वो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड आपका काई में चेंज हो रहा है, गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. आज का लास्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन स्केल. तो इसके कन्वर्जन में क्या है कि जब भी आपको सेल्सियस से काई में करना हो, केल्विन में करना हो, तो आप सिंपली जो सेल्सियस है उसमें आप कितना ऐड कर देंगे, 273. तो फर्स्ट है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप 27 में कितना ऐड करेंगे, 273, तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन. सेकेंड है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें आप कितना ऐड करोगे, 273, तो वो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन. अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नए वीडियोस जब भी आएंगे तो आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा. थैंक यू.